हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं तो बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छी हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ शादी में, तो आप लोगों को भी लेके जाऊंगी। क्योंकि देखिए मैं हो चुकी हूँ पूरी रेडी, रात के बज गए हैं 10। अब ये क्या होता है कि जब सबके साथ जाना होता है तो वेट करना पड़ता है। अभी मैं तो तैयार हो गई हूँ, बट मेरी सिस्टर वगैरह रह गए, उनका वेट कर रहे हैं। हम लोग सब निकलेंगे और वहाँ जाएंगे, देखेंगे, मजे करेंगे, क्या क्या है क्या क्या नहीं, डांस करेंगे हम लोग और दुल्हन देखेंगे, दूल्हा देखेंगे कैसा लग रहा है। और आने में कितना टाइम होगा अभी पता भी नहीं है कुछ भी यार। सोच रहे जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि इन मैडम के हो चुके हैं एग्जाम स्टार्ट। कमर दिख रही है कुछ, ये तो अधिक रहता है। कल स्कूल भी है मेरा, कल स्कूल भी है इनका, तो मैं सोच रही यार जल्दी से फ्री हो जाए हम लोग जाकर। अब क्या करें, इतना थक चुकी हूँ शादी की तैयारी में, क्योंकि ये जो मेरी सिस्टर है सबसे छोटी, उसकी फ्रेंड की शादी है, बेस्ट फ्रेंड की, तो उसकी हल्दी मेहंदी इन सब चीज़ों में मैं जाना पड़ा। ड्रेस लेकर क्या डालना है, कैसे करना है, ये सब चीज़ें टेंशन बहुत दे रही थी। फाइनली आज लास्ट डे है, हम फ्री होने वाले हैं, तो अभी हम लोग जाते हैं फटाफट। तो चलिए, तो ये देखिए आ चुके हैं दूल्हे राजा। दूल्हे राजा को लेकर आ रहे हैं जो दुल्हन का भाई होता है, कुछ रस्म होती है लोगों में, वो लेके आते हैं अपने कंधे पर। तो वो अब आ चुके हैं अब जयमाला के लिए। और ये देखिए ये लेके आ रहे हैं सब लोग दुल्हन को। एक रस्म होती है जो भाई लोग जो होते हैं वो चुनर को पकड़ कर लेकर आते हैं। मुझे शादी में सबसे प्यारी रस्म यही लगती है, जो बहुत इमोशनल कर देती है कि हाँ ठीक है अच्छा लगता है। देखकर ना बहुत ही अच्छा लग रहा था। और वो इतने धीरे धीरे चलती है दुल्हन, इतना उसके सारी उसके फ्रेंड है उसके साथ ही होती हैं, अच्छा लगता है देखकर, बहुत खुशी मिलती है। देखो वो लेकर आ रहे हैं, अब लेकर जाएंगे। इसके बाद होगी जयमाला। जयमाला में मैंने कुछ अलग ही सुना हुआ है कि शायद जयमाला दो तरीके की होगी, चलिए फिर देखते हैं। अभी ये मैं आई हूँ दोबारा से मिलने के लिए, तो देख रही थी मैं, बहुत खुश लग रही थी। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके शादी में, तो मैं मिल चुकी दुल्हन से। यहाँ पे दिखाती हूँ क्या डेकोरेट रखा है, तेरा सारा कुछ, फोटो सेशन चल रहा है यहाँ पे। तो जैसे कि मैंने अभी बताया था कि यहाँ पे होगी दो जयमाला, एक इन लोगों की क्योंकि ये नेपाल साइड के हैं, तो एक होगी जयमाला वो घास वाली, ये देखिए हो चुकी है जो, और एक होती है जो ऐसी फूलों वाली जयमाला, अभी वो भी होगी। सबसे पहले ये घास जो हरी घास होती है, दूब, लोगों जो गांव में रहते हैं लोगों को तो पता रहता है, हरी घास की जयमाला बनी थी वो हुई थी, और उसके बाद हुई थी दूसरी वाली जयमाला। मैंने तो पहली बार ये सब कुछ देखा और मुझे अच्छा भी लग रहा था यार, ऐसी भी कोई रस्म होती है, मुझे पहली बार ही पता लग पाया। तो हो चुकी इनकी दूसरी वाली जयमाला भी, ये देखिए दो दो जयमाला इनके गाले में डली हुई हैं। और अब नीचे लेके आ रहे हैं इनको फ्लोर पे, क्योंकि थोड़ा डांस वगैरह क्लिप वगैरह लेंगे, फोटो वगैरह लिए जाएंगे इन लोगों के, उसके बाद फेरे वगैरह स्टार्ट होंगे। ये देखिए आराम से हाथ पकड़ के लेके आ रहे हैं दूल्हे राजा। इनकी जोड़ी सच में बहुत ज्यादा ही अच्छी लग रही थी। मैं सोचा थोड़ा सा मंडप की बना लेते हैं फिर हम लोग चले जाते, क्योंकि मुझे लग रही है ठंड और मुझे नींद भी आ रही है, और सुबह तुम्हारा स्कूल भी है, छुट्टी तो है नहीं। तो आज पहली बार हम लोगों ने पकड़ लिया अपने भाई को फोटो खिंचवाने के लिए, छोटा वाला भाई आया हुआ था, हमने पकड़ लिया उसको, साथ में फोटो खिंचवा रहे, दिखाते। अरे यार अभी हम लोग करते हैं, हाँ खाना देखते हैं क्या क्या, हम देख रहे हैं क्या स्टार्ट कर चुकी हूँ। मैं दिखाऊंगी दही बल्ले, अभी हम लोगों ने खाना स्टार्ट नहीं किया, बस यही सब चीज़ें खाएंगे, जबकि खा के थोड़ा सा मोटे होके जाएंगे। सच में यार मुझे ज़्यादा पता है दही बल्ले मुझे बहुत पसंद है, और मुझे पसंद भी बहुत है, मुझे अच्छा भी लग रहा है, मज़ा आ रहा है खाने में बहुत ज़्यादा। तो हमारे हाथ में आ चुकी है देखिए खाने की प्लेट। खाना हम लोग दो तीन लोगों का एक साथ ही ले लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने आज जो लहंगे पहने हैं चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो एक साथ ही खा लेते हैं, फटाफट फिनिश करते हैं फिर निकलते हैं हम लोग यहाँ से। अभी हम किस लिए जा रहे हैं? कन्यादान लिखवाने जा रहे हैं। कन्यादान तो हम लोगों को अपनी मर्जी से लिखवाना होता है, लड़कियों की शादी है कुछ ना कुछ तो देना चाहिए, कुछ जो आपसे हो सकता है वैसे लिखवाना चाहिए, और लड़की की शादी में जरूर जाना चाहिए, कन्यादान जरूर करके आना चाहिए, चाहे फैमिली से एक ही बंदा जाए। और वहाँ पे तो अपना एड्रेस वगैरह भी भूल गई थी मैं जाकर, क्योंकि एड्रेस वगैरह लिखवाना होता है, नाम लिखवाना था, सबसे बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है नाम लिखवाएं किसका। ठीक है मैंने अपने हस्बैंड का नाम लिखवा दिया था, मैं कुछ ज़्यादा लेकर नहीं गई थी, बस एक शूट ले गई थी और पैसे बस थोड़े बहुत जो हो पाए मैंने लिखवा दिया था। मेरा भाई भी मेरे साथ ही खड़ा हो गया था, देख रहा था क्या कर रही हूँ।
जयमाला हो चुकी है और बस इसके अलावा मैं कुछ देख पाऊंगी क्योंकि मौसम बड़ा ठंडा। यहाँ पे डलेंगे फेरे, फेरे डलने वाले यहाँ पे, पर मैं देख नहीं पाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, उसके लिए वेट नहीं कर सकती मैं, इसलिए हम मैं तो जा रही हूँ घर। तो बाकी की शादी आप लोग देख नहीं पाएंगे क्योंकि मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा ठंड और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो इसलिए मेरे को अब निकलना होगा। अब मैं चलती हूँ, तो चलिए फिर अभी हम पहुँचते घर, घर देखते हैं कितने टाइम में पहुँचेंगे हम लोग। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं घर अपने, और आज की शादी अच्छी थी, ठीक है, ठीक ठाक था, बट सबसे बड़ी चीज़ जो हमने मिस करी वो था हमारा डांस। पहली शादी ऐसी थी जिसमें हमने डांस नहीं किया और डीजे भी हमने नहीं सुना क्योंकि हम लोग काफी लेट हो चुके थे पहले से, तो बस थोड़ा सा ये थोड़ा तो बताओ क्यों है, हमारे मेकअप की वजह से। अरे हमारा मेकअप तो ठीक है, हम लोग तो जैसे तैसे स्टार्ट हो चुका था, टाइम से हो भी गए थे, बट यही होता है ना फैमिली के साथ जाना होता है, सभी लोग जैसे सिस्टर वगैरह थे वो रह गए थे तो उनके साथ जाना था, तो उस चक्कर में हम लोगों का थोड़ा रह गया, कोई कहीं रह गया, कोई कहीं रह गया, कोई यहाँ मिला, कोई वहां मिला, इस चक्कर में हम लोग लेट हो गए। और उन्होंने जो हॉल बुक किया हुआ था उसमें टाइम शायद 10 बजे तक ही डीजे अलाउ था, उसकी इस वजह से रीजन मेन यही था कि जिस वजह से वो डीजे हम लोगों को मिला ही नहीं, बिल्कुल भी हमने सॉन्ग सुने ही नहीं ना एंट्री हम, और हम इतना लेट हो चुके थे, जैसे हम लोग पहुंचे उस टाइम बारात आ रही थी गेट पे, हम लोग बाद में पहुंचे, बारात पहले पहुंची, बारात के साथ हमारा भी स्वागत हो गया। तो आई होप आज का अब ये वाला ब्लॉग आप लोगों को बहुत अच्छा पसंद आने वाला है, बाकी कोई चीज अगर मिस्टेक हुई है तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और हो सकता है शायद मैं कल विदाई के टाइम जा पाऊं, फेरे तो मैं देख नहीं पाई क्योंकि वैसे भी 2 बज चुके हैं और बच्चों का स्कूल भी है, तो मुझे तो बहुत टेंशन हो रही थी, अभी ठंडा मौसम भी हो गया है, तो मैं तो आ चुकी हूँ, बस जयमाला देख पाई हूँ, वो आप लोगों के साथ शेयर होगा। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।